हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कैंचन। यहाँ पर बन रहा है ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में बनने वाला था उपमा। तो एक्चुअली उपमा मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लेती हूँ जो सूजी है उसे, और उसके बाद भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो जल्दी जल्दी में ऐसे ही काम होता है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है, प्याज काट लूँगी थोड़ा सा लंबा लंबा, तब तक मेरी सूजी भी भून जाएगी, मतलब माइक्रोवेव हो जाएगी। उसके बाद मैं थोड़ी सी हल्की सी भूनना पड़ता है, ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता है उसके बाद फिर। तो यहाँ पर मैंने प्याज काट लिया है, उसके बाद ऑयल गर्म हो चुका है, उसमें मैंने डाल दिया है मूंगफली, और उसके बाद मैं थोड़ा सा उसे चला लूँगी, और उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी प्याज, और प्याज ऐड करने के बाद जीरा ऐड करूँगी, क्योंकि जीरा पहले अगर ऐड करती ना तो जीरा जल जाता, क्योंकि जो ऑयल था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। इसी वजह से ये सब कुछ ऐड कर दिया, इसे अच्छे से भून लूँगी, और उसके बाद मैं उसमें सूजी ऐड करूँगी, और सूजी थोड़ी देर ही भुनना है बाद में आपको, बस यहाँ पर बस थोड़ी देर भुनना है, और उसके बाद आपका जल्दी मतलब उपमा रेडी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसमें भुनोगे, सिर्फ इसमें भुनोगे ना ऑयल में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आपको भी पता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ी देर माइक्रोवेव कर लेती हूँ, उसके बाद ऑयल में भूनती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सूजी जो है वो भून के रेडी है, उसके बाद मैं साइड में निकाल लूँगी इसे, और तब तक मैं चाय रख दूँगी साइड में, क्योंकि चाय भी पकती रहेगी, मतलब चाय बॉयल होती रहेगी, और उसके बाद साइड में उपमा भी बन जाएगा, तो अच्छे से चाय बॉईल करने के लिए टाइम मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है, तेल गर्म होने तक मैं उसमें चीनी और चाय पत्ती डाल दूँगी पानी में, और बस वो उबल जाने तक मैं इधर का काम करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया है। आज चीनी की चाय बन रही है, गुड़ की चाय नहीं बन रही है, तो अगर गुड़ की चाय बनती तो मैं आपके साथ पक्का शेयर करती। बाद में भी गुड़ की चाय रेसिपी के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है, बट आज गुड़ की चाय नहीं बन रही है, सॉरी डियर। गुड़ की चाय जब भी बनाऊँगी ना तो आपके साथ पक्का शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चीनी पाउडर और मतलब चाय पाउडर और क्या बोलते हैं अपना चाय मसाला डाल दिया, उसके बाद ये दूध ऐड कर रही हूँ, और अच्छे से बॉईल होते रहेगा ये चाय अभी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया था, और मिर्च काट रही हूँ, यार मिर्च थोड़ी सी तीखी नहीं थी, ये फीकी मिर्च थी, तो इसी वजह से ज़्यादा काटना पड़ा। तो यहाँ पर बस कट कर लिए है मिर्च, और उसके बाद यहाँ पर मैं राई ऐड कर दूंगी, क्योंकि जीरा मैंने पहले ही ऐड किया था, राई नहीं ऐड की थी, तो राई ऐड कर दी है, और अच्छे से इसे चला लेना है, और बस मिर्च हो जाने के बाद उसमें पानी ऐड कर देना है। बस पानी ऐड करने के बाद वो पानी बॉईल हो जाएगा, उसके बाद आपको जो भून के रखा है ना सूजी वो ऐड कर देना है, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है नमक पानी में, और एक चीज़ ऐड करूँगी जो नींबू सत होता है उसे ऐड करूँगी। आपके पास नींबू है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, बट नींबू सत से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर पानी बॉईल हो रहा है, तब तक मैंने काट लिया है धनिया पत्ता, और उसके बाद ये जो मैंने सूजी भून के रखी थी वो उसमें ऐड कर दी है, और थोड़ा सा पानी कम लग रहा था मुझे, ऊपर से फिर मैंने और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। इस वाले सूजी ने बहुत ही ज़्यादा पानी पी लिया था, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया, और अच्छे से मेरा जो उपमा है वो रेडी हो गया। उसके बाद बस यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से उपमा रेडी हो गया है, धनिया पत्ता ऐड कर दिया है, और धनिया पत्ते को अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और बस रेडी है खाने के लिए उपमा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, इस तरह से बना के देखना, थोड़ी सी चीनी ऐड कर देना ऊपर से, मतलब खट्टा मीठा टेस्ट आए इसके लिए। तो बस यहाँ पर उपमा रेडी है सर्व करने के लिए, आप भी आ जाइए खाने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घर पे सेफ होंगे। तो गाइज अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मतलब रेडी मीन्स फ्रेश हो गई हूँ अभी, क्योंकि सुबह जब नहाती हूँ ना उस टाइम इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँ और अच्छे से करूँ, तो आज तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो मैंने ये क्या किया, जल्दी से नहाया और बस टोनर अप्लाई करके आ गई यहाँ पे किचन में, और फिर बाकी के सारे काम किए। जल्दी जल्दी से काम करने होते हैं, क्योंकि फिर इनको ड्यूटी जाना होता है ना, तो इस वजह से इनको लेट ना हो जाए,
तो जल्दी जल्दी काम की, अपने ब्रेकफास्ट वगैरह इनको दे दिया, ये अच्छे से सब कुछ हो गया इनका और ड्यूटी चले गया है। अभी मैं बच्चे ही है, बच्चों में से माही उठ गई है, माही अपना क्लास कर रही है ऑनलाइन क्लास, तो वो उसका क्लास हो जाएगा तो उसको भी ब्रेकफास्ट दे दूंगी करने के लिए, और मतलब एक क्लास खत्म हो जाएगा तो उसको भी ब्रेकफास्ट दे दूंगी, और अद्विक भी उठ जाएगा तो अद्विक को भी दे दूंगी। कि सुबह के तो काम हो गया है, क्लीनिंग वगैरह हो गई है, अभी बाकी के काम है तो वो कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। देखो यहाँ पर दूध गिर गया है नीचे, एक्चुअली थोड़ा सा भी ध्यान हट जाता है ना यहाँ से तो दूध जल्दी चला जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार। मेरे साथ तो मतलब थोड़ा सा भी, जैसे कि बर्तन क्लीन करने जाओ यहाँ से थोड़ा सा नजर हट जाए तो इसे मौका मिल जाता है ऊपर जाने का। तो देखो अभी ये पूरा क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्चुअली वो हेडबोर्ड वाले भैया भी आ गए थे और ये भी मतलब कारपेंटर भैया भी आ गए हैं, तो यहाँ पे चल रहा है थोड़ा सा कट करने का काम। जैसे कि वो जो हेडबोर्ड है उसके जो प्लाई होते हैं वो कट कर रहे हैं कारपेंटर भैया, उसके बाद जो हेडबोर्ड बनाने के लिए मतलब अभी ये लड़का आ गया है तो ये फोम वगैरह लगा देंगे, उसके बाद वो जो भैया है ना दूसरे तो वो लगाएंगे लेदर। तो ये सब कुछ ऐसे होता है, जैसे कि ये प्लाई छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और जैसे मतलब मैंने डिज़ाइन दी है उस टाइप में ये टुकड़े काटते हैं, और उसके बाद वो टुकड़ों को पहले फोम लगाया जाता है, जैसे कि देखो आप इस तरह से होता है, और उसके बाद उसे लेदर लगता है ऊपर से। तो ये इस तरह से काम होता है सब कुछ, और आपने अगर बनवाया है तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं बनवाया है तो इस तरह से होगा। और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ नींबू पानी, तो माही को नींबू पानी पीना था इसी वजह से उसका थोड़ा सा नाटक चल रहा है, तो वो नींबू पानी बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। नाटकुराम, हाँ इसे अभी अभी के अभी इसे चक्कर आ रहे थे, इसे सब कुछ हो रहा था, क्या क्या हो रहा था, मम्मा जल्दी से नींबू पानी दो मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ये हो रहा है, और अब कहाँ गया आपका चक्कर,
अरे बाप रे, कितने काम किए माही आपने, बैठे बैठे पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास, बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास, ये काम है। अरे यार, बस अभी अद्विक दे देती हुई है। तो बस यहाँ पर रेडी हो चुका है कंप्यूटर टेबल, यहाँ पर उससे माइका ही लगा रहे हैं अब, और माइका लगा के छोड़ देंगे, फिर उसकी फिनिशिंग हो गई। और उसके बाद जो यहाँ पर शू रैक बनाने के लिए मैंने उनको बोला है, तो वो शू रैक बनाना स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली वो शू रैक का सब कुछ आज काट के रख देंगे, कल से फिर वो ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। वैसे अभी ज़्यादा दिन का काम नहीं बचा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म हो जाए, मतलब ऊपर का तो काम ख़त्म ही हो गया है, अभी सिर्फ वो फोम ही लगा रहा है, फोम बोल रही हूँ, वो जो हेडबोर्ड का काम चल रहा है, बस वो काम ख़त्म हो जाए तो मैं शिफ्ट होने के लिए रेडी हो जाऊँगी ऊपर। एक्चुअली पूरा बहुत ज़्यादा काम है यार, नीचे का सब कुछ लेके जाना है, ऊपर सब कुछ अच्छे से सेट करना है, बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है बाद में। आप देख ही लेना, जो जो होता है वो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। ये देखो डेली श्रीखंड ला रहे हैं, अभी ये आज इलायची फ्लेवर का लाया है, और ये कौन सा है, ये बादाम पिस्ता है, तो ये दो फ्लेवर के लाया है आज। डेली श्रीखंड आ रहा है 4-5 दिनों से। पैन निकाल दिया था ना, तो ऐसे जुगाड़ करना पड़ता है हमें। और आज आलू की सब्जी, उसके बाद आज भी इन्होंने श्रीखंड लाया ना। अरे वो मक्खिया घूम रही है आगे पीछे, वो क्या हो रहा है? हाँ, आज मशरूम की सब्जी भी नहीं बनाया। अरे मशरूम की सब्जी नहीं, शाम को बनाएंगे। वो माही बोल रही थी हम लोग उकड़ा नहीं लगाते, जैसे डेली हम लोग जैसे दूध आता है हमारे घर पे, वैसे ही पापा को बोलो इसका श्रीखंड का उकड़ा लगाने के लिए, और आपने लेके आए डायरेक्ट, अमूल वालों को बोलते डायरेक्ट डिलीवरी दे दिया करो, इधर ही दे दिया करो करके। तो वो बोल भी रही थी मुझे कि मम्मा आज पापा को बोल दो करके, तो आपने लेके आया तो वो बहुत खुश है। अब ये दो फ्लेवर का लेके आया आज। चलो भी कर दिया इसने, देखो मैं तो राह देखती हूँ पापा कब आ रहे हैं, पापा। हाँ बराबर। और मैं बोलती मेरे मन की बात, पापा आपको कैसे पता चल जाती? तो वो पापा है ना वही, पापा बोल रहे थे तो सपने में आते पर मन की बात, मेरे सपने में सबको मैं लेके आता हूँ सबके लिए। गाड़ी से? अच्छा अच्छा। मेरा पिल्लू, तू खाना नहीं खाया? हमने खाना खा लिया, ये अकेला। हाँ इसने भी थोड़ा सा खाया, दाल चावल खा लिया उसने। अच्छा, यहाँ पर कारपेंटर भैया नाप ले रहे हैं शू रैक का। एक्चुअली एक खड़ा बनेगा और एकदम फ्लैट बनेगा एक, मतलब जैसे कि बैठने के लिए, शू बैठ के पहनने के लिए, तो वो बनेगा। तो डिज़ाइन थोड़ी सी यूनिक होने वाली है, तो आप बाद में देख ही लेना कैसे कैसे बनाने वाली हो, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगी फिर कैसे शू रैक बनता है, क्या होता है। थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन से बनवा रही हूँ, और ये जो है ये किस चीज़ के काम आएगा वो भी आपको पता चल ही जाएगा। जिन्होंने इस टाइप से बनवाया है उनको तो पता ही होगा, जिन्होंने नहीं बनवाया है उनको आइडिया मिल जाएगी इससे, तो ये कैसे कैसे होने वाला है ये तो आपको सब कुछ बाद में बनने के बाद ही पता चलेगा। अभी मैं बताऊँगी ना तो आपको इतने समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या होने वाला है। एक्चुअली ये सारी डिज़ाइन मैंने दी थी उन्हें, और वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि ये कैसे लगाना है, क्या लगाना है, कैसे कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने इससे पहले बनाया नहीं है इस टाइप से, तो अभी वो बना के देख रहे हैं। मैंने बोला आप बनाओगे तभी आपको पता चलेगा, तो इसी वजह से वो मतलब सारी चीज़ें उनको ला के दे दी, वो बना रहे। लेकिन उनका ये है कि मैं जो भी डिज़ाइन उनको देती हूँ ना, तो वो ट्राई करते हैं और वैसे के वैसे ही बना के देते हैं, तो वही मुझे अच्छा लगता है उनका। और यहाँ पर वो भी चल रहा है, देखो फोम के टुकड़े जो काट के रखे हैं, तो उसे फोम पूरा लगा दिया है, और अच्छे से लगाने के बाद इस पे लगेगा लेदर। और कैसे डिज़ाइन होगी वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिल ही जाएगा, आप मतलब तब तक तो हो ही जाएगी मुझे लगता है ऐसे कि ये वाली डिज़ाइन तो हो ही जाएगी तब तक, जब आप नेक्स्ट व्लॉग मतलब कल का व्लॉग देखोगे उस टाइम हो ही जाएगी। और बस यहाँ पर वो काट के रख रहे हैं, और वो भैया आएंगे और लेदर लगा के चले जाएंगे। इन छोटे छोटे टुकड़ों को ना लगाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब जैसे कि अभी ये देखो काटना पड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों को, वो पहले फोम लगाना पड़ता है, उसके बाद उसे लेदर लगाना पड़ता है, और उसके बाद फिर उसे ज्वाइन करना पड़ता है, तो इसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट उन्होंने बोला था कि 1-2 दिन में आपको रेडी करके दे देंगे हम लोग। तो चलिए गाइस, सब कुछ हो गया है, वो लोग चले गए हैं, क्लीनिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है, और फ्रेश भी हो गई हूँ।
तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ और इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने में यार बहुत ही ज्यादा कंजूसी करते हो, लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उसे क्लिक कर दीजिए। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप वहां पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, चेक कर लेना एक बार, आपको पसंद आए तो वहां पर भी मुझे सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, तो इंस्टा का लिंक और दोनों चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर भी एक बार चेक कर लेना, आपको पक्का पसंद आने वाला है। वहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे रील्स मैंने डाले हैं, और पसंद आए तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर देना। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय, ध्यान रखना अपना।